एवरीवन, तो ये है हमारा आज का लोकेशन। मैं आपको लोकेशन ये है हमारा लोकेशन और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये भारती दी दिख रही है वहाँ पे, ये बैठी हुई है और फॉर अ चेंज ये हमारा नया लोकेशन है। और ये 1980 समथिंग में बनाया गया था ये वाला लोकेशन, आप देख सकते हो हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ राइट। ऐसे ऐसे लोकेशंस में मज़ा तो आता है शूट करने में, लेकिन हम लोग क्या अपने सेट से ना कुछ ज़्यादा ही हैबिचुअल हो चुके हैं। वहाँ पे एक कंफर्ट जोन है, अपने अपने रूम्स हैं बहुत अच्छे से, ये भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे बहुत पुराने रूम्स हैं। मेरे को बुलाया है और हालत देख लो। कहा जाता है कि 1980 में ये सेट तैयार किया गया था और यहाँ पर बहुत सारी पुरानी मूवीज़ जितने भी शोज़ हुए हैं वो यहाँ पर हुए हैं। ज़्यादातर शूटिंग यहीं पर होती है SG स्टूडियो में या फिर यहाँ चांदीवली स्टूडियो में। तो आज हम लोग हैं चांदीवली स्टूडियो में, तो मैंने सोचा है कि आप लोगों को मैं ये सेट भी दिखाती हूँ और कैमरा क्वालिटी भी देखती हूँ, क्योंकि ये मैंने कल ही परचेस करा है, ये देखते हैं कैसा आता है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको इसका क्वालिटी। और दिस इज़ द लोकेशन, कितनी खूबसूरत है ना ये यार, बहुत अच्छी। सो दिस इज़ द लोकेशन और अब मुझे, हाँ जी अच्छा, ये है माइक दादा, ये है हमारे माइक दादा थैंक यू। तो अभी मुझे बुला रहे हैं शूट के लिए, ये मेरा माइक भी दे दिया है माइक दादा ने, और अब मुझे यहीं कहीं लगाना पड़ेगा। मैं रूम से बाहर आ गई थी ब्लॉग शूट करने के लिए और उसके बाद मैं आप लोगों को लेक्चर लेके चलती हूँ सेट पे, कैसे कैसे आउटडोर शूट किया जाता है वो थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश। आज मेरा एक ही सीन है, लेकिन एक सीन में भी कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है। तो बस अब क्लोज ख़त्म होंगे और फिर मैं घर जाऊँगी, अपनी बेटी से मिलूँगी। हाँ, कपड़ा लगा सामने रखो, और थोड़ा जल्दी फ्री हो जाते तो बहुत अच्छा लगता है ना, फैमिली के लिए टाइम मिल जाता है। तो ऐसा वैसे भी क्या है, हर रोज़ तो शूट होता नहीं है, मतलब महीने में 10 दिन या 15 दिन शूट होता है। तो 15 दिन होते हैं मेरे पास अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। ये बाइस इसके ए लगे यहाँ पे लो। बस अब मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ पे लो पीछे, वहाँ जहाँ पर शूट चल रहा है, बिकॉज हमें बुला रहे हैं और इधर लो सेंटर में, बाहर सेंटर में पर थी, सोचा शूट कर लूँ। तो अभी आपको वहाँ लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ क्या 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 तैयारियाँ की गई हैं इंडोर सॉरी आउटडोर शूट के लिए। हेयर दी, ये सुरेखा दी है, ये भारती दाई है, आप लोग इनको देखते ही हो। और ये हमारा सेट है, ये हमारा सेट है, ये है सेट यहाँ का आउटडोर पे। यहाँ पे ये स्नैक्स रखे तो है बट इनको खा नहीं सकते। और ये यहाँ पे सेट तैयार हो गया है, ये आउटडोर है। ये है मोहित और ये है प्रीता जी, हाय। अरे स्टैंड लेके आओ कौशला, धीरज बोलना नहीं हूँ व्लॉग हश फाइनली। अभी
भी हो चुका है हमारा ये सीन कंप्लीट और ये लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं दूसरी जगह पे पुलिस स्टेशन की। और आई थिंक कि मेरा पैकअप हो गया है, लेट मी कंफर्म, और फिर जाती हूँ घर अपने डुगू के पास। तो अभी हो चुका है मेरा पैकअप और फटाफट से चेंज करते हैं और चलते हैं घर। घर जाके देखते हैं कि हमारी छुटकू नाम क्या कर रही है। जब पैकअप हो जाते हैं ना तब आप वेट भी नहीं करते हो कि हेयर दी आएगी या कोई आएगा, और फटाफट से आप चेंज करने की कोशिश करते हो ताकि जल्दी से जल्दी निकले और घर जाए। तो जब को हेयर दी या ड्रेस में कोई आता है तब तक मैं खुद ही से सब रिमूव कर देती हूँ। दिस इज ऑल्सो अनदर पार्ट ऑफ आर सेट। यहाँ पे भी हम शूट कर चुके और अब यहाँ से एग्जिट। डांडिया की प्रिपरेशन चल रही है, सब लोगों ने डांडिया की कॉस्ट्यूम्स पहने पूरे स्टेशन पर। अभी जितने भी लोग आएंगे सारे के सारे डांडिया का ड्रेस पहने, एंड दे ऑल आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर लग रहा है सबके सब। मुंबई की यही ब्यूटी है, यहाँ पे हर तरह के त्यौहार को ना बहुत अच्छे। हेलो मम्मा, शिकू यहाँ देखो, यहाँ देखो। दिस इज डुगू कार। और अब डुगू चली, ओ बैठी, फिर से चलाओ, फिर से चलाओ, ओ ओ ये तो उल्टी चल रही है आपकी कार। आपका क्वैक क्वैक कहाँ है डुगू, कहाँ है आपका क्वैक, कहाँ है? ओके, सो दिस इज योर क्वैक क्वैक। अच्छा चलो अभी सबको बाय बाय कर दो, इधर 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 बाय 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 कर दो, गुड नाइट कर दो। हाँ इधर दे दो मम्मा को। अच्छा बोलो बाय एंड गुड नाइट, यहाँ देख के बोलो डुगू, शिकाय ना, बाय एंड गुड नाइट बोलो। सो इसी के साथ हम आज का ये व्लॉग खत्म करते हैं। नो 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 नो, इच्छा तो लगती है व्लॉग खत्म नहीं करना, क्यों क्वैक क्वैक को लग गया। बाय तो बोल, बाय स्क्वायर, यस स्क्वायर, इसको अब शेप समझ में आ रही है। ये वाला हम लोग इसके लिए लेकर आए थे शेप्स का, तो इसे इसको शेप समझ में आ रही है स्क्वायर। ओके और बाय एवरीवन, गुड नाइट, और हम लोग मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। हमको सब्सक्राइब कर दो डुगू, बोलो आप हमको सब्सक्राइब कर दो। आई होप जब ये बोलना शुरू हो जाएगी, अभी तो ये बोलते नहीं है, तो ये डेफिनेटली आप लोगों को बोलेगी। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। इसके बिहाफ पे तब तक मैं बोल देती हूँ बाय बाय एंड गुड नाइट एवरीवन।